हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सुमन कानपुर से, माँ क्रिएटिव गार्डन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं देखिए, मैं पौधे लेकर आई हूँ, काफ़ी पौधे लेकर के आई हूँ, जिसमें कि अरीका पाम भी मैंने शामिल कर रखा है और मुझे पसंद भी बहुत अरीका पाम है और मेरे घर में बहुत लगे हुए हैं अरीका पाम। और ये मैं दो और लेकर के आई हूँ जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैं इसको लेकर आई हूँ, ये तेज पत्ता जो सब्ज़ी में पड़ता है और डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है तेज पत्ता। अगर ताज़ा तेज पत्ता मिले तो इसको लेकर के इसमें पानी में चाय की तरीके गर्म करके पिए तो डायबिटीज़ में बहुत आराम देता है। ये देखिए फर्स्ट लव है, इसकी फ्लावरिंग इतनी सुंदर होती है कि समय समय पर बहुत आती है। ये देखिए, पीस भी लिली भी लेकर आई हूँ, कनेर लेकर आई हूँ और चौरी चौरा भी लेकर आई हूँ, बहुत पौधे लेकर आई हूँ। और ये भी देखिए, कनेर मत गुच्छे वाला कनेर है, तरह तरह के हैं ये, मतलब कई तरह के लेकर आई। ये उस रबर वो मनी प्लांट के तरीके बताया था पौधा, कोई नाम नहीं ध्यान आ रहा मेरे को। और ये दोस्तों, हमारे यहाँ पुदीना भी ख़राब हो गया था तो पुदीना लेकर आई हूँ, जोड़ सही थी। बाइंडिंग जू भी ख़राब हो गई थी, बाइंडिंग जू भी लेकर आई हूँ, जो कि पुदीना भी लगा दूंगी। ये देखिए, ये सावनी है, सावनी की पत्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी लीव्स इतनी अच्छी लगी, तो फूल तो देख ही रहे हैं आप कितना अच्छा है, तो मैं सावनी भी लेकर के आई हूँ और ये हमेशा देते हैं। ये देखिए, मैं अंगूर की बेल भी लेकर आई हूँ लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ इस गर्मी में। और मैं लेकर आई हूँ इसको, मोगरा को भी लेकर आई हूँ, बेला को, मैं अमरूद भी लेकर आई हूँ कि अमरूद जो है सारा मैं टेरिस पे ही लगाऊंगी, क्योंकि मैंने ग्रो बैग भर रखे हैं। ये मैं अनार का भी लेकर आई हूँ, पौधा पेड़ काफ़ी बड़ा है, इसमें भी माली ने बोला बहुत बड़े बड़े अनार आते हैं इसमें और काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे पपीते को भी बोला है इसको, पपाया में, कि दो पपाया के पेड़ लेकर आई हूँ, इसमें भी बताया बहुत बड़ा बड़ा होता है, काफ़ी मतलब जल्दी से ही मतलब फल देना शुरू कर देते हैं। तो मैं देखती हूँ एक बार कि कैसे क्या होते हैं। वैसे मैं ज़मीन में बाहर लगाती हूँ, ये चौरी चौरा का भी है, ये देखिए कनेर एक ये भी है, ये वाइट कनेर लेकर आई हूँ, वाइट कनेर भी रखना बताते हैं घर में, बड़ा अच्छा होता है। तो अच्छा क्या है, हरियाली है, यही सबसे प्लस पॉइंट है। और पौधे तो कुछ ना कुछ देते हैं, आपस में बहुत बात करते हैं अपना, आपस में पौधे ही बात करते हैं, इंसान क्या है, इंसान नहीं, पौधे ही, पेड़ पौधे भी हैं, वो भी आपस में बात करते हैं और मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो मैं इसलिए लेकर इकट्ठा आई हूँ कि 2-4 दिन आप ये अपने ऐसे रखे रहने दें, क्योंकि इसमें मिक्सअप हो जाए, इसके बाद मैं पौधों को ट्रांसफ़र करूँगी किसी दूसरे पॉट में, जो चूँकि ग्रो बैग मैंने पहले भरवा करके रख लिए हैं और उसी में फिर मैं ट्रांसफ़र करूँगी, थोड़ा मौसम वैसा हो, क्योंकि हमारे कानपुर में थोड़ा कम बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है, जो नया जनरेशन है, बच्चों को थोड़ा इसमें और प्रेरित करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो हमारा जो है नेचर के पास बच्चे जुड़ के रहेंगे तो अलग बात होगी। और दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग नए हो चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।